प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बुधवार को सीजीएम व एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान कोर्ट ने डॉक्टर संजय निषाद का वारंट निरस्त कर दिया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि 7 जून 2015 के कसरवल कांड का यह मामला है। उस समय सपा की सरकार थी, हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने एक हमारे साथी अखिलेश निषाद के ऊपर गोली चला दी थी, जिसमें अखिलेश निषाद की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हमें और मेरे साथियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया था जो कि न्यायालय में चल रहा था। कुछ फाइल जो कि कोर्ट में नहीं पहुंच पाई थी और तारीख छूट गई थी, जिससे न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया था, बुधवार को न्यायालय में पेश हुआ, जिसके बाद न्यायालय ने वारंट की निरस्त कर दिया। हमने कोर्ट से पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस पर समन और वारंट जारी है। हमने न्यायालय से अपील किया है कि उस फाइल को भी एमपी और एमएलए कोर्ट में कंबाइन किया जाए, इसलिए न्यायालय तय करे कि हत्या का मुल्जिम कौन है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब तारीख पड़े तो आप न्यायालय में तारीख पर आकर देखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, हम लोग बड़े बड़े वकील वैधानिक पदों पर हैं, हम ही लोग कानून बनाते हैं और हम ही लोग कानून का अगर पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो क्योंकि हमारे मामले 7 जून 2015 के कसरवल कांड से जुड़े हुए थे और वहां सपा की सरकार ने फायरिंग की थी, गोली चलाई थी, मेरा एक साथी मारा गया था, लेकिन बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या भी की गई और बर्बरतापूर्वक हमारे लोगों की पिटाई भी की गई। उल्टे 302 का मुलजिम हम लोगों को बना दिया गया। तो आज उस केस में चूँकि जब हम एमएलसी हो गए, फिर नियमानुसार कोई कोर्ट बना एमपी एमएलए का, उसमें उस कोर्ट को फाइलें वापस आनी है। तो हमारा चूँकि जमानत अलग से हुआ था, हमारी चार्जशीट अलग से आई थी और मेरे साथियों की अलग से आई थी, तो दोनों दो न्यायालय में चल रहे थे, तो बाकी फाइल एमपी एमएलए में आ गई थी, मेरी नहीं आ पाई थी किसी कारण। तो जहाँ नहीं आ पाई थी वहाँ तारीख छूटने की वजह से वहाँ वारंट जारी हुआ था। आज मैं न्यायाधीश को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने न्याय दिया और मैं पेश होकर उनके सामने अपनी बात रखी और उन्हें उसको रिकॉल कर लिया। जमानत चूँकि पहले हमारी हो ही चुकी थी, उसी को रिकॉल कराना था, उन्होंने रिकॉल कर दिया। हमने 156(3) भी सरकार वो पुलिस के खिलाफ दाखिल कर रखा है और उसमें भी उनको सम्मन जारी हुआ और सम्मन के बाद वारंट भी जारी है। और मैं चाहूँगा, अभी यहाँ वकील साहब लोगों से बात कर रहा हूँ, कि उस फाइल को चूँकि वो भी उसी केस से संबंधित है, कि भाई पुलिस ने कहा कि नहीं ये लोग जो वहाँ गए थे भीड़ ने 302 किया है, लेकिन कोर्ट ने एक नोटिस दिया है उस पुलिस को जिसके खिलाफ हम लोगों ने 156(3) दाखिल किया है कि भाई 302 का आपके ऊपर चार्ज बनता है और आप जो जो धाराएं हमारे ऊपर लगी उसी धाराओं में कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए उस पुलिस को भी संबंध जारी किया। आज के दिन में वारंट भी जारी है। मैं चाहता हूँ कि वो भी फाइल एमपी एमएलए कोर्ट में आके कंपाइल हो, चूँकि उसी केस से मुकदमा है और न्यायालय तय करे कि 302 हम हैं या पुलिस है, चूँकि पुलिस ने हमें 302 दोषी करार करी और न्यायालय कहता नहीं 302 आपके ऊपर भी बनता, आप आओ। तो मैं तो चाहूँगा इन साहब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आज उनको भी इनके केस में यहाँ शायद कोई हड़ताल भी है। मैं सुबह ही 10 बजे पेश हो गया था और 10:30 बजे तक हमारे दोनों न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? न्यायालय ने दिया कि हमेशा उपस्थित रहे समय से, जब जब वकील साहब बुलाएं, जब जब भी आए न्यायालय बुलाए तो फिर वकील केस देखता, जब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वकील जब भी कहेंगे वो हम न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। अगली तारीख कब निकालेंगे? अब आ चुकी है, हड़ताल है, अभी ये लोग जाएंगे, अब उस तारीख जिस हिसाब से जनरल पड़ती है हड़ताल के समय उस समय आएंगे। निश्चित रूप से रेलवे ने भी एक आरोप किया था, उसमें भी वो छोटा मुकदमा था, क्योंकि उसमें भी मैंने रेलवे वाले में भी जमानत रिकॉल करा लिया, हमने तो दोनों केस में जमानत करा रखी थी, लेकिन किसी गलती को इसी कि एमपीएमएलए में आ गया होगा, आया नहीं था और केस एक चल रहा था, इसलिए वहाँ उस ऑफिस में छूटने के नाते 302 हो गया, मतलब रिकॉल मतलब जमानत। देखिए आज के दिन में जो हमारे एनडीए की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अपना दल और भी देश में साथ में रहने वाले एनडीए के साथ लोग हैं, हम लोग एक सिद्धांतों की राजनीति करते हैं कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, उसके उसके कायाकल्प हो, कानून से उसका
करना, उसमें जो भी साथ हो हम लोगों के साथ है। अब कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बड़े नेता हैं, अब वो किस कारण से उधर जा रहे हैं उनके ऊपर है। आज के दिन में केंद्र में सरकार भाजपा की है, जनता भाजपा के साथ है, जनता NDA के साथ है। और जहाँ हमारे बड़े नेतृत्व अमित शाह जी हैं, हमारे नड्डा साहब हैं, माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, जब हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंता करता है तो हमें किस पर ध्यान देने की जरूरत है। कमलेश सहनी एडवोकेट, प्रकरण ये था कि 7 जून 2015 को कसवल कांड हुआ था, जिसमें डॉक्टर साहब और जो है निषाद पार्टी के सहयोगियों के खिलाफ फर्जी तरह किस तरीके से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसमें कई धाराएं गंभीर था। तो जो शेष कुल टोटल 38 अभियुक्त उसमें बनाए गए थे, एक डॉक्टर साहब को अलग छोड़ दिया, तो कुल टोटल 37 थे। तो 37 की चार्जशीट जो है पहले आ गई थी। डॉक्टर साहब की जमानत जो है 2016 में 13 जनवरी 2016 को उनकी जमानत हुई थी, और इनका चार्जशीट 2019 को न्यायालय में दाखिल हुआ सर। तो 2019 में जब दाखिल हुआ और 2016 में की जमानत हुई थी, चार्जशीट दाखिल होने के बाद और संज्ञान लेने के बाद डॉक्टर साहब को कोई भी कोर्ट से सम्मन सूचना प्राप्त नहीं हुआ, न इनके सम्मन गया न कोई सूचना आई, और इसी दौरान इनको गलत तरीके से वारंट कर दिया गया था। तो आज अर्जी पड़ी, कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया और वारंट को रिकॉल कर दिया। यहाँ MPMLA चूँकि जो कोर्ट चल रही है सर, तो MPMLA से संबंधित ये मामला है, तो पार्ट वाइज 2 बार चार्जशीट आई थी, तो एक फाइल वहाँ चल रही है, दूसरी फाइल भी चली जाएगी वहीं पर MPMLA में चलेंगे कोर्ट, ये दोनों मुकदमे साथ में चलेंगे। अभी कोर्ट आप डॉक्टर साहब का वो जो है वारंट कैंसिल कर दिया और पुनः उन्होंने कहा कि जो है जब आवश्यकता होगी तो मैं बुलाएंगे। अगली तारीख ये उसमें पड़ी है 18 अगस्त।